कैसे हो आप लोग। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पर्पल हॉल। पर्पल में रिसेंटली सेल चालू थी 4th to 8th अगस्त तक, आई हार्ट ब्यूटी सेल। एंड मुझे लगता है कि आई एम द लास्ट पर्सन हू मेक वीडियो ऑन दिस सेल, क्योंकि सेल आने से पहले बड़े यूट्यूबर्स ने तो वीडियोस डाल दिए थे और कुछ यूट्यूबर्स ने सेल के टाइम पर, और कुछ लोगों ने सेल खत्म होने के 1 या 2 दिन बाद। लेकिन मैं 2 या 3 दिन बाद तो वीडियो शूट कर रही हूँ सेल खत्म होने के 2 या 3 दिन बाद। और क्योंकि रीजन ये है, मेरा जो प्रोडक्ट था मुझे टाइम पर नहीं डिलीवर हुआ। 2 दिन तक तो डिलीवर सेंटर में ही रखा हुआ था, उसके बाद मुझे वो ला के दिए हैं कंप्लेन करने के बाद। सो इस वजह से वीडियो बनने में लेट हो गया। ऐसा नहीं है गाइस कि सेल खत्म तो पर्पल पे डिस्काउंट ऑफर नहीं मिलेंगे, पर्पल पे हमेशा ऑफर्स चालू ही रहते हैं। अभी जो सेल चालू है वो जन्माष्टमी का up to 40% तक ऑफ चल रहे हैं, तो आप अगर चाहे तो चेक कर सकते हैं। And if you guys are watching me first time, so make sure to subscribe my channel and bell button भी दबा दें, जिससे आपको मेरे हर न्यू वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। मैंने इस बार बहुत सारे स्किन केयर और मेकअप प्रोडक्ट परचेज किए हैं, इतने सारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं, तो स्टार्ट करते हैं एक एक से। फर्स्ट जो प्रोडक्ट है वो हिमालय का फेस स्क्रब मैंने परचेज किया, हिमालय टैन रिमूवल ऑरेंज फेस स्क्रब। टैन रिमूव करने वाला है ये स्क्रब, और इसके जो पार्टिकल थे मैंने इसे यूज किया है, इसके पार्टिकल बहुत ज्यादा बड़े भी नहीं छोटे भी नहीं है, और इसकी स्मेल ऑरेंज की स्मेल है लेकिन एग्जैक्ट ऑरेंज जैसी नहीं है। ऑरेंज की खट्टी मीठी चॉकलेट आती है काफी हद तक, उसी ऐसा लगता है कि वही चॉकलेट की इसकी स्मेल, जो स्मेल आती काफी हद तक उसी जैसी उसकी जैसी स्मेल है। और इसका प्राइस 75 और नेट वेट जो है 50 ग्राम का है, ये ऑन डिस्काउंट 75 से कम में ही मिला। स्क्रीन पे आपको जो डिस्काउंट प्राइस था वो भी दिख जाएगा और जो उसकी MRP है वो भी जरूर दिखेगी। इसकी शेल्फ लाइफ 3 इयर्स तक की है, 2020 में इसका मैन्युफैक्चरिंग है और 2023 में एक्सपायर हो जाएगा। सो अगर आप कोई भी प्रोडक्ट यूज करते तो प्लीज छोटे इसलिए छोटे प्रोडक्ट में ही इन्वेस्ट करें, बहुत पहले ही फर्स्ट टाइम बहुत ज्यादा बड़ा प्रोडक्ट मत ले लें। और इनकी सबसे अच्छी बात है कि जो छोटे छोटे साइज में अवेलेबल हैं। दूसरा प्रोडक्ट जो मेरे पास है वो बायोटिक का फेस वॉश है, बायो हनी जेल रिफ्रेशिंग फॉर्मिंग फेस वॉश फॉर ऑल स्किन टाइप्स। इट सेज 100% आयुर्वेदिक रेसिपी और इसकी MRP है 65, डिस्काउंट में ये मुझे 45 या 50 के अराउंड मिला था। नेट वॉल्यूम 50 ml का है ये, और जो शेल्फ लाइफ है इसकी 3 इयर्स तक की है। और इसकी स्मेल कुछ बहुत अलग सी नहीं है, लेकिन नॉर्मली जेल फेस वॉश होते हैं ना उस तरीके की है, कुछ खास डिफरेंट नहीं है इसकी फ्रेग्रेंस में। मैंने अभी तक सिर्फ नहीं ट्राई किया है, ट्राई करते हैं देखते हैं कैसा होता है ये। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है वो एल्स गुडनेस का कोकोनट मॉइस्चराइजिंग क्रीम है, इस तरीके से कुछ दिखता है, और जब आप इसे ओपन करते हैं तो इस कैप के साथ आता है और देख सकते हैं पूरा व्हाइट क्रीम है ये। और इसकी स्मेल बिल्कुल भी कोकोनट जैसी नहीं है, लेकिन बहुत थोड़ा सा बहुत ही हल्का सा कोकोनट का टिंट है इसमें, जो कि सबसे अच्छी बात है। मैंने इसे अप्लाई किया है, लेकिन इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत ज्यादा आपकी स्किन को ऑयली नहीं करे। लेकिन हाँ, अगर टी जोन पे आपको पसीना आता है तो जरूर स्वेट आएगा इसे अप्लाई करने के बाद भी। इसका प्राइस 99 रुपीज है और ऑन डिस्काउंट आपको 80-75 तक मिल जाएगा आराम से। नेट वेट इसका 20 ग्राम है और इसकी शेल्फ लाइफ सिर्फ 1 साल की है। आप ट्राई कर सकते हैं इसे, कोकोनट क्रीम बहुत ही छोटे कंटेनर में अवेलेबल है। जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो अगेन एल्स गुडनेस का है, एल्स गुडनेस चारकोल फेस वॉश। बहुत ही छोटा क्यूट सा ये प्रोडक्ट है, इसमें बड़ा साइज भी अवेलेबल है और इसका जो प्राइस है 99, ऑन डिस्काउंट आपको 80-85 तक मिल जाएगा। नेट वेट 29 ग्राम और शेल्फ लाइफ इसकी 2 साल तक की है। इट सेज कंट्रोल एक्सेस ऑयल प्रोडक्शन, हेल्प रिमूव ब्लैक हेड्स एंड ड्रॉ आउट टॉक्सिन्स फ्रॉम द स्किन। सो मैंने आज तक कभी चारकोल वाला फेस मास्क नहीं यूज किया था, तो मैं चाहती थी कोई फेस मास्क यूज करना। सो मैंने सोचा कुछ इससे पहले छोटा प्रोडक्ट लेके देखें कि कैसा है, काम करता है आपके स्किन पर, तो इसे मैंने इतना छोटा सा ही लिया। अगर अच्छा रहा तो मैं अगेन वापस परचेज करूंगी बड़ी साइज में। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मेरे पास है वो निव्या सॉफ्ट लाइट मॉइस्चराइजर, इसमें आपको बड़ा साइज भी मिल जाएगा पर मैंने स्मॉल साइज ही लिया। मैं हमेशा कोई भी स्किन केयर प्रोडक्ट लेती हूँ तो उससे पहले छोटे साइज में से ट्राई बेसिस पे लेती हूँ, ताकि वो मेरी स्किन पे सूटेबल है कि नहीं वो सब चेकअप करने के बाद मैं इसके कोई बड़ी साइज लूँ। इसलिए मैंने वापस छोटा साइज लिया। इसका जो प्राइस है वो 85 रुपीज का है
ऑन डिस्काउंट बहुत ज्यादा इस पे ऑफर्स नहीं थे, 80 का ही मुझे मिला है। और इसकी शेल्फ लाइफ ढाई साल तक कह सकते हैं। 2019 में मैन्युफैक्चर हुआ है और बेस्ट वो 30 मंथ्स, तो कह सकते हैं ढाई साल तक का है ये। इट सेज फ्रेश एंड सॉफ्ट स्किन, फास्ट ऑब्जर्विंग फॉर्मूला, नेट वेट इसका 50 ग्राम। और बस जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो मैं बस एम कैफिन के प्रोडक्ट है, मैं इसे ट्राई करना चाहती थी सच में, क्योंकि मैंने इस ब्रांड के बारे में बहुत कुछ सुना था, बहुत अच्छी चीजें सुनी थी, सो आई जस्ट रियली वॉन्ट टू ट्राई। और इसके 3 प्रोडक्ट है मेरे पास, ये 3 प्रोडक्ट हैं और एक एक से स्टार्ट करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं इससे। दिस वन इज एम कैफिन नेक एंड रॉ कॉफी बॉडी पॉलिशिंग ऑयल। सो दिस इज हाउ द आउटर पैकेजिंग लुक्स लाइक एंड व्हाट इज इनसाइड। गाइस दिस इज अ ग्लास बॉटल, वहीं एक बार हाथ से छूटा सारा काम खत्म। सो बहुत ही ध्यान से रखना पड़ेगा। कैन यू सी कि इसमें रॉ कॉफी भी है, दिख रहा है आपको? आई थिंक ऐसे शायद दिख रहा है आपको, ये रॉ कॉफी भी है इसमें। मैंने अभी इसको खोला भी नहीं है, कैसे इसे यूज करना है कैसे क्या। एक्चुअली इन दोनों का कॉम्बो चल रहा था, बॉडी पॉलिशिंग ऑयल और एम कैफिन का बॉडी स्क्रब। इनके साथ अगर आप ये दो साथ में परचेज करते हैं तो इसके साथ आपको हैंड क्रीम भी फ्री मिलेगा। तो इन दोनों की जो प्राइस थी, इन दोनों के साथ जो मैंने परचेज किया था, दोनों का 700 समथिंग अराउंड था। एग्जैक्ट प्राइस की आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा। सो इट सेज नेक एंड रॉ कॉफी बॉडी पॉलिशिंग ऑयल, कॉफी विद विटामिन ई। वैसे इसकी एमआरपी गाइस 445 की है, एंड जैसे मैंने कहा कि कॉम्बो सेट था तो ऑब्वियसली 445 यानी जो भी प्राइस होगा आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा। 2 साल की इसकी शेल्फ लाइफ है और नेट वेट इसका 100 ml है। ऑल स्किन टाइप वाला प्रोडक्ट है, तो आप कोई भी स्किन टाइप वाले इसको यूज कर सकते हैं। सो गाइस एम कैफिन के प्रोडक्ट्स, इसमें लिखा है कि एम कैफिन के प्रोडक्ट FDA अप्रूव्ड है, SLS फ्री, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड, नॉट टेस्टेड ऑन एनिमल्स एंड पैराबिन फ्री। सो इसे मैं जरूर ट्राई करके और क्या इसका रिजल्ट है मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। फिर नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मेरे पास है वो एम कैफिन का बॉडी स्क्रब, एम कैफिन नेक एंड रॉ कॉफी बॉडी स्क्रब, कॉफी विथ कोकोनट, एंड दिस इज द आउटर पैकेजिंग लुक्स लाइक। एंड अंदर से एंड दिस इज ऑल्सो ग्लास गाइज, मैंने इसे भी नहीं ओपन किया है। इसका जो सिंगल प्रोडक्ट का जो प्राइस है 449 rupees का है, एंड इसका जो नेट क्वान्टिटी 100 ग्राम। और इसका शेल्फ लाइफ 2 साल तक का है, बेस्ट फॉर 24 मंथ्स। इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट 7/2020 में हुई थी, और बहुत ही मतलब कांच के बॉटल है तो बहुत ही ध्यान से संभाल के रखना पड़ता है। एंड दिस प्रोडक्ट इज कम विद दिस चम्मच, वुडन का ये स्पून है। अगर आप इसे यूज करते हैं तो आप बॉडी के ओपन पोर्स को ये क्लोज करने में हेल्प करता है, और दोनों अगर आप ऑयल और इन दोनों को यूज करते हैं तो स्ट्रेच मार्क्स रिमूव करने में भी हेल्पफुल है ये। तो लेट्स सी, ट्राई करते हैं किस तरीके से वर्क करेगा। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है वो अगेन जो मैंने कहा ये फ्री था एम कैफिन के प्रोडक्ट के साथ। सो ये हैंड क्रीम है गाइज, एम कैफिन नेक एंड रॉ कॉफी हैंड क्रीम, कॉफी विद द व्हाइट वाटर लिली। दिस इज फॉर ऑल स्किन टाइप, जो प्राइस है 325 rupees की है, शेल्फ लाइफ 2 ईयर्स एंड 50 ml का है ये। इसमें जो फ्रेग्रेंस है वो हल्का सा कॉफी जैसा इसका स्मेल है। सो स्किन केयर प्रोडक्ट्स खत्म, अब मूव करते हैं मेकअप प्रोडक्ट की तरफ। मेरा जो फर्स्ट मेकअप प्रोडक्ट है वो ब्लू हेवन का ब्लश है। सो दिस इज हाउ द आउटर पैकेजिंग लुक्स लाइक। जब आप इसको बॉक्स में से निकालेंगे तो इस तरीके से पॉलिथिन के साथ आता है ये, और इसके साथ ये पफ है जो कि टोटली यूजलेस है, क्योंकि ब्लश तो कोई भी पफ से नहीं अप्लाई करता है। इसका जो एमआरपी है वो 125 rupees का है, इसकी शेल्फ लाइफ 3 ईयर्स तक की है। इसका शेड कुछ इस तरीके से है, ऑरेंज और पिंक सॉर्ट ऑफ शेड इसका है। और इसमें गाइस थोड़ा सा शिमरी पार्टिकल्स हैं जो कि फेस पे अप्लाई करने पे इतना ज्यादा नहीं अच्छे लगते, मुझे ऐसे शिमरी वाले ब्लशेस नहीं पसंद। और ये ब्लश कम हाइलाइटर ज्यादा लगता है, अगर आपको दिखे तो, दिख रहा है आपको किस तरीके इसमें शिमरी पार्टिकल्स हैं जो कि मुझे नहीं पसंद, जैसे कि ब्लश इसमें शिमर पार्टिकल्स हों। देखते हैं फेस पे अप्लाई करने के बाद कैसा ये लगता है। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मेरे पास है वो आई एम्स्टरडैम का प्राइमर है।
मेरे पास एक ही प्राइमर था तो मैं चाहती थी कि एक दूसरा प्राइमर लेना। इसकी एमआरपी 349 रुपीज की है और ऑन डिस्काउंट पता नहीं कितना चल रहा था, आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। 2 साल की इसकी शेल्फ लाइफ है। नेट वेट इसका 25 ग्राम्स। इट स्टेज हाइड्रेटिंग विथ पोर मिनिमाइजिंग इफिशियंसी, द परफेक्ट बेस फॉर द मेकअप। देखते हैं कैसे काम करता है ये। तो जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो अगेन आई एम्स्टरडैम की लिपस्टिक है। सो इसकी आउटर पैकेजिंग है। इसका जो प्राइस है 200 रुपीज और इसकी शेल्फ लाइफ 2 ईयर्स की है। सो गाइज कुछ इस तरीके से ये इसकी पैकेजिंग है। काफी लग्जूरियस पैकेजिंग है, ब्लैक एंड सिल्वर का कॉम्बिनेशन है, पर इसका कलर बिल्कुल भी अच्छा नहीं। परचेज करने के टाइम पे इसका शेड कुछ अलग है और इसका ओरिजिनल शेड कुछ अलग ही है, क्योंकि जब मैंने पर्पल पे इसको देखा था तो ये डार्क पिंक लग रहा था, लेकिन ये बहुत ही ब्राइट पिंक है इस तरीके का। मैं आपको स्वेचेस दिखाती हूँ। इसके इस तरीके का ये पिंक है और मतलब जैसा दिख रहा था वैसा शेड नहीं मिला। और जो ये शेड है वो पिंक इम्प्रेशन 8। अगर आप डार्क पिंक लिपस्टिक चाहते हैं तो ये 8 नंबर वाला लिपस्टिक मत लेना, क्योंकि ये डार्क है नहीं, लाइट लिपस्टिक है। तो वो जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो अगेन लिपस्टिक है। ये क्रियॉन लिपस्टिक है बेला वॉस्टे की और बहुत ही प्यारा शेड है इसका। इस तरीके इसका शेड है डार्क पिंक रेड सॉर्ट ऑफ का शेड है। और जिसका प्राइस इसमें मेंशन नहीं है, स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा। इसकी शेल्फ लाइफ 2 ईयर्स तक की शेल्फ लाइफ है। सो जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो एनवाई बे का माइसलर वाटर है। मेरे पास गुड वाइब्स का मेकअप क्लींजर लोशन है तो मैं माइसलर वाटर ट्राई करना चाहती थी। तो इसकी आउटर पैकेजिंग इस तरीके की है, सिल्वर कलर का आउटर पैकेजिंग है और प्रोडक्ट कुछ इतना सा है। मुझे ऐसा लगा था कि थोड़ा बड़ा होगा लेकिन काफी ज्यादा छोटा है। इट सेज ऑल इन वन क्लींजर एंड रिमूवर, स्मूथ स्किन सूट सेंसिटिव स्किन टू, नो रिंस नो हार्श रबिंग, आइडल फॉर फेस लिप्स एंड आईज, कंटेन्स नो परफ्यूम। थोड़ा सा जैसा नॉर्मल माइसलर वाटर होता है उससे ये स्मेल है, कुछ ज्यादा फ्रेग्रेंस नहीं है इसमें। और इसका जो एमआरपी है 125 रुपीज और ऑन डिस्काउंट मुझे 100 रुपीज का मिला था। इसकी शेल्फ लाइफ 2 ईयर्स तक की शेल्फ लाइफ है। और इसके इंग्रेडिएंट्स हैं प्योर वाटर, ग्लिसरीन, एलोवेरा, काफी चीज है इसमें। फिर नेक्स्ट प्रोडक्ट वो बेला वॉस्टे का मस्कारा है। मेरे पास एक ही मस्कारा था जो कि मैं हर वीडियो में यूज करती थी, वो था पर्पल का थिक एंड थिन मस्कारा। मुझे एक दूसरा मस्कारा चाहिए ही था। इस तरीके से इसका आउटर पैकेजिंग है और जो इसका मस्कारा है वो इस तरीके का है, ब्लैक एंड सिल्वर। इसका एमआरपी 249 ऑलमोस्ट 250 रुपए का है और शेल्फ लाइफ इसकी 2 साल तक की शेल्फ लाइफ है। लास्ट प्रोडक्ट है वो है मेबलिन फिट मी का प्रेस पाउडर। मेरा शेड 110 पोर्सलिन पाउडर है। फाउंडेशन लगने के बाद इसे अप्लाई कर तो काफी अच्छे से मैट फिनिश आ जाता है आपके स्किन पे। और वैसे ये काफी लाइट है, लेकिन ऑर्डर जब किया था तब कुछ और दिख रहा था और जब रिसीव हुआ तो कुछ और, लेकिन इसे अप्लाई करने के बाद बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि ये बहुत ज्यादा वाइट है। चेहरे पे स्किन के कलर में आ जाता है अप्लाई करने के बाद। और इसके साथ आपको इसे एप्लीकेटर भी आएगा, एप्लीकेटर रखने का प्लेस भी है। और इस तरीके से आपको ये पफ मिलता है। पफ बहुत सॉफ्ट है, बहुत ही प्यारा है, मैंने इसे यूज भी किया है तो बहुत अच्छा फ्रेश पाउडर है ये। इसकी एमआरपी 480 रुपीज और ऑन डिस्काउंट मुझे कुछ 300 समथिंग मिला ये। और शेल्फ लाइफ इसकी 3 साल तक की शेल्फ लाइफ है इसकी। सो गाइज दिस वन इज लास्ट वन। आज के वाले में बस इतने ही प्रोडक्ट थे और अगर वीडियो अच्छी लगी या हेल्पफुल रही हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी सजेशन सो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट डाउन बिलो। सो मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, योर फैमिली। बाय बाय।